तो और बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अब दोस्तों, व्हाट्सएप बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं और लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अब इसी आसान और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बहुत सारे हैकर्स या फिर बहुत सारे लोग आपकी पर्सनल डिटेल्स को आपसे छीनने का प्रयास करते हैं। और इसी सीरीज में दोस्तों, आपको व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं किसी ग्रुप में या फिर किसी अननोन नंबर से आपके पास आते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर ही आपको ऐसे मैसेजेस शेयर करते हैं, जिसमें दोस्तों दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, जियो की तरफ से कोई रिचार्ज फ्री मिल रहा है, किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको कोई लैपटॉप फ्री मिल रहा है, या फिर दोस्तों आपको बहुत बार ऐसा होता है कि केबीसी के नाम पर दोस्तों आपको कुछ 25 लाख की लॉटरी मिल रही है। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आपके पास फॉरवर्ड किए जाते हैं। अब ऐसे मैसेजेस के नीचे जस्ट एक लिंक रहती है दोस्तों, जहां पर क्लिक करके आप एक ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां से कि आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं आपकी, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स, आपके बैंक डिटेल्स, या फिर बहुत बार दोस्तों आपके गूगल का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं बहुत सारे अलग अलग केसेस में, और आप उन्हें फिल करके वो जो स्कीम बताई जा रही है, जो बेनिफिट है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो भी डिटेल्स आप उन वेबसाइट्स पर फिल करते हैं, वो डिटेल्स एक ऐसे व्यक्ति के पास में चली जाती हैं जिसे बिल्कुल भी आप नहीं जानते हैं। अगर एक रियल लाइफ का एग्जांपल लें, बहुत ही प्रैक्टिकल, तो रियल लाइफ में दोस्तों अगर आपसे कोई अननोन व्यक्ति आपसे कोई आपका फोन नंबर, इवन आपका कोई आधार कार्ड, ऐसी कोई डिटेल मांगता है, तो आपसे बिल्कुल भी देने से मना कर देंगे। बट ऐसे केस में क्या होता है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, अपना आधार कार्ड, फोटो, ये सारी डिटेल्स भी किसी अननोन व्यक्ति के साथ में शेयर कर देते हैं। अब इसमें दोस्तों आपका क्या लॉस हो सकता है कि अगर आपने अपनी बैंक डिटेल शेयर करी है तो आपके बैंक से कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड डिटेल शेयर कर दी है तो वो आदमी दोस्तों आपकी आइडेंटिटी कहीं पर यूज कर सकता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर आपने अपने गूगल का लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया है तो बहुत सारे केसेस में दोस्तों गूगल को जितना आपको अपने बारे में नहीं पता है, उससे ज़्यादा गूगल आपके बारे में जानता है, जैसे कि आप क्या वीडियोज़ देखते हो, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कहाँ ट्रैवल करते हो। साथ में दोस्तों अगर आपने गूगल पर अपने पेमेंट डिटेल्स, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर करके रखी है, तो वो दोस्तों थर्ड पार्टी आसानी से एक्सेस कर सकती है वो सारी डिटेल्स। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बहुत जगह पर अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है आपके खिलाफ। तो ये सारे लॉसेज हैं इन जगह पर अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं और लोगों को भी कैसे और ज़्यादा जागरूक बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई मैसेज दोस्तों अननोन नंबर से आपके पास आता है, जिसमें कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं आपको, तो आप सिंपली व्हाट्सएप पर दोस्तों उस मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और ताकि वो मैसेज दूसरे लोगों तक ना पहुँच सके। साथ में दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर ऐसा कोई मैसेज आपके साथ शेयर करते हैं तो उनके साथ दोस्तों आप ऐसी कोई वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। और साथ में दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, और साथ में एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, ये दोस्तों PIB फैक्ट चेक है, इंडियन गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, उसका नंबर है। आप ऐसे मैसेजेस को दोस्तों व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि वो लोग आपको फैक्ट चेक करके बता सके कि हाँ ये चीज़ गलत है या फिर सही है। अब दोस्तों लास्ट में अगर इस वीडियो में कंक्लूजन की बात करें तो जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों अगर कोई अननोन पर्सन आपसे कोई डिटेल मांगता है, आपकी पर्सनल डिटेल, तो आप उसे देने से सख्त मना कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर जाकर, जो कि व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, वहाँ पर जाकर दोस्तों बिना वेबसाइट को चेक किए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को चेक किए हुए, आप कोई भी डिटेल शेयर मत कीजिए। साथ में दोस्तों आप ऐसी वीडियोस को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन्हें और भी जानकारी मिले ऐसे केसेस के बारे में। और थर्ड चीज़ दोस्तों, आप जो भी मैसेजेस आते हैं उनके URLs को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, या फिर गूगल पे जाकर दोस्तों अगर कोई स्कीम बताई जा रही है तो उसे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके रिलेटेड, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।